वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे मैं हूँ अदनान अली ताहरी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से सेप्पेश जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं नाइन्थ और मैट्रिक के बैट्रिक के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जैनशीन करनी चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन Uh, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जैसे कि राइटिंग मटेरियल के, के हवाले से मैं I mean, uh, आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप जैनशीन कर लें आपको तो पता होगा कि आप लोग पेन यूज़ करते हैं रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक ठीक है तो इनमें मोस्टली आप ये चीज़ें याद रख लें कि रेड और ग्रीन पेन जो है ना वो हमें अलोन नहीं होते एक्सेम में आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं ब्लू या ब्लैक से और वो भी बोर्ड के हिसाब से डिफरेंट बोर्ड्स जो है ना डिफरेंट पेन कॉलो करते हैं कहीं पे ब्लैक अलो नहीं होती कहीं पे ब्लू अलो नहीं होती लेकिन अलमोस्ट जो है ना तक़रीबन बोर्ड्स में बोर्ड के एग्जाम में ब्लू और ब्लैक जो पेन है वो अलो होती है और पेंसिल्स अगर आपके पेपर में उसकी नीड है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप अपने पास दो से तीन या चार पेंसिल्स आपके पास ऑलरेडी हों और वो ऑलरेडी शार्प्ड हों ठीक है ना वहाँ पे आप ये टाइम वेस्ट ना करें वहीं पे आप शार्प करें तो एक ये बात दूसरी बात ये कि आप अगर उस पेपर में कैलकुलेटर की नीड है तो आप याद से अपने साथ कैलकुलेटर लेके जाएं और आ, सेकेंड पॉइंट एग्जाम एक, सेल्फ आपके पास यकीन आ जाती है तो आप उनको आ, याद से ये लेके जाएं और एक प्रॉपर एक आपके पास ट्रांसपेरेंट बैग हो पर्स uh, जिसमें आप अपने uh, ये चीज़ें uh, जो है ना अपने साथ रखें पेंसिल्स कैलकुलेटर पेन वगैरह थर्ड पॉइंट है रेस्ट वॉच वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट वॉच जो है ना आप अपने साथ लाजमी रखें ठीक है uh, आप देखिए स्मार्ट वॉच ना हो येलो नहीं होगी आई होप ये चीज़ें नहीं होती येलो ठीक है तो आपके पास डिजिटल या एनालॉग जो वॉच जो हम यूज़ करते हैं वो आपके पास होनी चाहिए फॉर टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप कोई आ, कोई अरेंज कर लें ये आपको बड़ी हेल्प करेगी फोर्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट uh, और बहुत ज़रूरी जो बात है वो है टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे मोस्टली स्टूडेंट इशू डिस्कस करते हैं ये इशू के सर हमारे क्वेश्चन रह गए हाँ पेपर बड़ा लेंदी था ये था वो था असल में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते वो तो कैसे करें मैं आपको आहिस्ता आसा आगे पॉइंट uh, में डिस्कस करता तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फाइव है uh, आपने जो है ना क्वेश्चन पेपर जब आपको दिया जाए तो आपने उनको प्रॉपरली रीड करना है अगर दो घंटे का पेपर है तीन घंटे का है या चार घंटे का जो भी जितना भी आपके पास टाइम है टोटल आप कम अज़ कम उसमें से आठ से दस मिनट जो ना पेपर को रीड करने में लगाएं तसली तस से रिलैक्स होकर पेपर को पढ़ें ठीक है पेपर को अंडरस्टैंड करें ठीक है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लाजमी होता है इसमें कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होता ये आपको बड़ी हेल्प करता है ठीक है वो कैसे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ Uh, जब आप पेपर रीड कर, कर करें तो आप पेपर्स को क्वेश्चंस uh, को जो है आप सेलेक्ट करते जाएँ फॉर एग्जाम्पल भाई क्वेश्चन नंबर वन है वो सबसे मुझे अच्छा आता है वो बेस्ट है तो आप ना इसको टिक लगा के कोई बी मार्क कर दें या बेस्ट लिख दें सेकेंड क्वेश्चन आपने पढ़ा है आपने कहा कि यार ये तो जो है ना क्वेश्चन ये मुझे बहुत कम आता है फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे थर्टी टू फोर्टी परसेंट मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसको लिख लें वर्स्ट ठीक है थर्ड क्वेश्चन फिर आ जाए उसको भी आप रिलैक्स होकर पढ़ें और उसमें आपने पढ़ा आपने कहा कि यार फिफ्टी परसेंट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ये मुझे क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिखते हैं एवरेज तो ये तीन कैटेगरीज में अगर आप उनको टिक करते जाएंगे तो आपको आसान होगी अगर आठ क्वेश्चन है या पाँच क्वेश्चन है या, या छः क्वेश्चन जितने भी है तो आप लोग देखेंगे मेरे मुझे जो है इनमें से तीन क्वेश्चन बेस्ट आ रहे हैं तो हमेशा स्टार्ट हमेशा उस पॉइंट से करें जो क्वेश्चन से करें जो आपका बेस्ट क्वेश्चन हो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन रखता है जो एक पेपर चेक करता है खैर हर पेपर अपनी मार्क्स खुद कैरी करता है जितने उन पे है लेकिन ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आपने बेस्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में अटेम्प किया है, है कि उसमें देर नो नीड टू फॉलो द सिक्वेंस आप लाजम नहीं कि आप आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है फिर सेकेंड क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड फिर थर्ड नहीं अगर आपको बेस्ट क्वेश्चन है आपका नंबर वन क्वेश्चन है तो आप नंबर वन करें और सेकेंड जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आपको बहुत अच्छा आता है जो बेस्ट है वो है फिफ्थ नंबर तो आप फिफ्थ से स्टार्ट करें टैग टाइटल आप प्रॉपरली दे दें क्वेश्चन नंबर फाइव टू एंस एंसर ठीक है तो ये एक प्रैक्टिस रहती है बहुत अच्छी है पहले आप यह बेस्ट करें फिर एवरेज फिर वर्स्ट ऐसे क्वेश्चन को जो है ना अटेम्प्ट करें पॉइंट नंबर एट थे कि आप जो है ना क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट सॉल्व करें देखें आठ क्वेश्चन है अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कूंगा आठ क्वेश्चन है और आपके पास जो है ना एटी मार्क्स का फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर है तो ज़ाहिर बात है कि दस मार्क का क्वेश्चन हो गया और आप उन दस आठ क्वेश्चन जो है उनको टाइम के हिसाब से सॉल्व करें अगर आपने देखा कि यार एक टाइम से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या, एक क्वेश्चन को मुझे बीस या पच्चीस मिनट देने पड़ रहे हैं तो आपके जहन में हो ये आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली होगी अगर नहीं की तो अभी भी आप लोग सोल्ड पेपर देख के उनको आप टाइम मैनेजमेंट सेट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन को का ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना टाइम दे सकते हैं ठीक है तो ये बड़ा आपको आ, बड़ी हेल्प करता है कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो मेरा क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा आता है वो मेरा बेस्ट क्वेश्चन है आंसर मैं इसका दे सकता हूँ लेकिन वो बड़ा लेंदी है बड़ा टाइम लेता है तो आप ऐसे करें अपने टाइम के हिसाब से उसको क्वेश्चन को, को सॉल्व करें वो नीचे कोशिश करें अगर कोई स्पेस देना चाहे कि मैं बाद में आके इसको अटेम्प्ट करूंगा बाद में मतलब दो तीन क्वेश्चन करके जैसे लास्ट में मुझे टाइम बचेगा तीन चार मिनट तो फिर वो तीन चार मिनट आप वापस आके इसको दें ये भी आप कर सकते हैं लेकिन ये इसके लिए बड़ी आपको जो है ना न से काम करना पड़ेगा बड़ी बड़ी टाइम मैनेज में आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी अच्छा जी नाइन्थ पॉइंट है आपको मैं बताऊं कि रेड और ग्रीन पिन अलो नहीं होती यूज़ करना फिर भी आप लोग अपने इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा वहाँ पे ठीक है आपको जो पे जो आंसर शीट दी जाएगी क्योंकि इससे एक्सटर्नल और एग्जामिनर चेक करते हैं पेपर तो आप होपफुली आप ये नहीं कर सकते आप फिर भी वेरीफाई और डबल चेक कर लीजिएगा इस बात को ठीक है एड्थ पॉइंट है रीड क्वेश्चन विथ इट्स टाइप मतलब आपके आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना उसको प्रॉपरली पढ़ें कि यार जो जो क्वेश्चन है उसके साथ उसके टाइप्स भी पूछ रहा है भाई न्यूटन्स ला की डेफिनेशन पूछ रहा है उसके टाइप्स भी पूछ रहा है और कितने टाइप्स पूछ रहा है ऐसे नहीं उसने पूछे हैं फायदा क्वेश्चन है Uh, किसी रिसर्चर uh, किसी आथर के बारे में कि उसकी डेफिनेशन हैं उसका इंट्रोडक्शन हैं और उसके जो टेन लॉज थे फॉर एग्जाम्पल उनमें से उसने लिखा है कि कोई भी तीन को डिस्कस करे और आपने क्या किया जल्दी से क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ा उस आथर के बारे में डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लिखा और उसके जो आपको पता है इसके टेन लॉज हैं तो आपने टेन के टेन लिख दिए फिर आप लोग कहते हैं कि सर पेपर लेंदी था नहीं ठीक है इन चीज़ों को क्वेश्चन को सही तरह रीड करें पोर्शन में डिवाइड होता है ए बी सी में डिवाइड होता है कभी लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको हाईलाइट करें अंडरलाइन करें ठीक है तो ये बड़ी हेल्प करेगा इसलिए मैं कह रहा था दस मिनट जो है ना आप क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर जो है ना यूज आ, अपना टाइम दें वो बड़ा बेनिफिशियल होता है आपके लिए सर एलेवेंथ पॉइंट है आपके पास सॉल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखें क्वेश्चन पेपर को रीड करने से ये भी आप नोट करें कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है ये टू मार्क्स का है मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं टू मार्क्स का है और आपने इसमें क्या किया है आप बीस मिनट इसको दे दिए तीन चार पेजेस फिल कर दिए फिर आप कह देंगे सर पेपर लेने देता देखिए आप उसको क्वेश्चन को पढ़ें और उसकी मार्क्स को भी देखें अगर वो मार्क्स तीन का है चार मार्क्स का है टू मार्क्स का है आप उस हिसाब से उसको लिखें ना कि आप जो है उसको टेन मार्क्स या सिक्सटीन मार्क्स तक ले जाए ठीक है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टूडेंट्स मोस्टली ये स्किप कर देते हैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं उसको पढ़ें और उसके मार्क्स को भी देखें ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ट्वेल्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ कि टाइम जो है आपके लिए मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन घर में जाके सॉल्व पेपर इनको सॉल्व करें दो तीन घंटे का जो पेपर है आप खुद से सॉल्व करके देखें टाइम मैनेजमेंट करें रेस्ट ऑफ आप वॉच आपके पास होनी चाहिए जैसे एक क्वेश्चन का टाइम खत्म हुआ आप खत्म होने वाला है आप उसको जल्दी से जल्दी उसको वाइंड अप करने की कोशिश करें और उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ना वो लाजमी आप लिखें ठीक है जो उसके सब हेडिंग्स हैं उसके टाइप्स हैं काइंड्स हैं उनको लाजमी लिखना होता है अगर उनमें पूछा गया है तो अगर नहीं पूछा गया तो आप उनको ना लिखें ठीक है थर्टीन पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम में जो है ना पैनिक नहीं होना परेशान नहीं होना जो आपको जो आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से आप जा रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है तो वो कहते हैं सर पेपर ईजी था सही था इट वॉज नॉट डिफिकल्ट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एवरेज तैयारी होती है फिर वो कहते हैं कि सर पेपर लेंदी था असल में क्या था पाँच में से मुझे तीन क्वेश्चन आ रहे थे आठ में से मुझे आठ में से मुझे पाँच क्वेश्चन आ रहे थे तो जाहिर बात है तीन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें वो टाइम लेगा क्योंकि उसको टाइम का क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है उसके लिए लेंदी हो जाएगा तो प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी करें पैनिक नहीं हो ये हो भी सकता है कि लाजमी आठ क्वेश्चन या पाँच क्वेश्चन या वह सारे आपको आएँ लाजमी नहीं है हो सकता है आठ में से साढ़े सात आपको आए सात क्वेश्चन आए तो आपने वो उनको अपना बेस्ट आउटपुट देना है वहाँ पे ठीक है क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है एट द टाइम ऑफ चेकिंग ठीक है फोर्टीन पॉइंट ये है uh, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वर्ड्स लिखते हैं जिनके लिखने की जरूरत नहीं है जैसे uh, सर अल्लाह का वास्ता आपको पास कर दें ठीक है ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है ना लिखें इनका कोई फ़ायदा नहीं है टीचर जो ना इन चीज़ों को नहीं देखते ठीक है थीके? वो ये अच्छी बात है आप तैयारी करके आए और अपनी uh, uh, जो है बेस्ट परफॉर्मस दे जब हम पेपर चेक करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं कि सर आपको अल्लाह का वास्ता पे पास कर दें जो है आप काइंडली बीबी बच्चों का वास्ता पास कर दें भाई ऐसे नहीं होता ठीक है ना ऐसे नहीं होता हमें हमें चेक करना होता है हमें आ, और हमें हमारी ये कॉपीज़ चेक भी होती हैं वेरीफाई हमें चेक करना होता है अपनी जो आपसे सेंसियरली करनी होती है आ, मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ तो मैं उस हवाले से बता रहा हूँ कि हमारी कॉपीज़ जो है ना अगेन वेरीफाई भी होती हैं ठीक है तो बोर्ड के हवाले असल में एग्जाम्स जो है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट uh, सारे सेम होते हैं उनका अटैम्प्ट करना उनके लिए प्रिपरेशन करना uh, कोशिश करें फिफ्टीन पॉइंट ये है कि कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें कोशिश ये आपकी होनी चाहिए तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन से जाए ठीक है तो सारे क्वेश्चन आपने अपने कब करें। करेंगे जब आपके टाइम मैनेजमेंट बेस्ट हो गए बेस्ट टाइम मैनेजमेंट हो ठीक है ना और कभी भी आप, आप ख़ुद को लो ना समझें हमेशा जो है ना रिलैक्स हो जाएं पेपर स्टार्ट होने से पहले आंखें बंद करें और जो है ना दुरुष्प पढ़ें आपकी मर्ज़ी अच्छी बात है अगर पढ़ें थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए ठीक है जिक्र करें थोड़ी देर के लिए एक पाँच से दस सेकेंड के लिए थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें बिल्कुल रिलैक्स हो जाए फिर बिस्मिल्लाह करें आप स्टार्ट करें और गिव योर बेस्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग की रिज़ल्ट अच्छी आएगी तो ये छोटी मोटी टिप्स थी कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं या जो ना इनको फॉलो नहीं करते तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम के वजह से क्वेश्चन को पेपर सॉल्व करिएगा अगर आपको अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप रबी थैंक यू अल्लाह हाफिज़